All of you give your attendance first. Good afternoon to all of you. Give your attendance first. Ruthvik Bhutani present. Rudra present. Pallavi is present. Harsh G. Patel is also present. Krish Jain, Maitri Shah, Pooja Patel. Harvey SVV, Priyanshi, PP Savani. Tarun Kumar. Tarun Kumar is also present. Ravi Kant, Nelly Patel, Khushi Kataria. Ravi Kant, Nelly Patel, Maitri Patel, Pooja Patel, Priyanshi, Bharvi, Jay Patel, Shreya from SVV. Okay. Khushi Singh, PP Savani. Khushi Singh is also present. Anu Prasad is also present. Good afternoon to everyone once again. चलो नील पटेल इज ऑल्सो प्रेजेंट. एनीवन इज रिमेनिंग? सबका अटेंडेंस हो गया? कोई स्टूडेंट बचा? यस, स्टिल एनीवन इज रिमेनिंग? देन लेट मी नो. ऋषभ, मैत्री पटेल, मैत्री शाह, पूजा पटेल, प्रियांशी, खुशी सिंह, क्रिश जैन, खुशी, दो दो खुशी है. ये कौन सी खुशी है? खुशी सिंह का अटेंडेंस हो गया है. दूसरी खुशी कौन सी है? खुशी पटेल है.
खुशी सिंह है। दो दो खुशी है। खुशी सिंह तो प्रेजेंट हो गया, खुशी कटारिया भी प्रेजेंट हो गया। ओके ठीक है, दोनों खुशी आई आज, वेरी गुड। चलो ठीक है, आप किसी का अटेंडेंस रहता है तो बता दो। सबका अटेंडेंस हो गया? एनीवन रिमेनिंग? सर आज आप डाउट डिस्कस करोगे? हाँ मैं डाउट डिस्कस करूंगा आज सबसे पहले, उसके बाद फिर हम क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डाउट डिस्कशन करेंगे आज। चलो लेट मी नो कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट आया आपको, बताओ। सर लास्ट क्वेश्चन 13। हाँ सीधे लास्ट पे आ गए बेटा, फर्स्ट से चालू होता है हमेशा, सीधे लास्ट पे नहीं पहुंच जाते। नहीं है इसलिए डाउट हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन से चालू होता है कि लास्ट क्वेश्चन से चालू होता है? सर बट एक ही डाउट है। एक ही डाउट आया है, वेरी गुड। बाकी बच्चों को तो आए होंगे। हाँ देखो आया ना, सिक्स्थ और सेवेंथ में डाउट है। फिर बेटा क्वेश्चन का पार्ट भी लिखते जाना, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली बताओ मेरे को, है ना। होमवर्क देखो सबसे पहले, फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एफ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में जी तक किसी को कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन में जी तक किसी को कोई डाउट? पहले में किसी को डाउट नहीं है ना। सेकंड क्वेश्चन में आओ, सेकंड में ए बी सी डी ई एफ जी किसी को डाउट? एच तक, सेकंड क्वेश्चन में एच तक किसी को डाउट? हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का एट वाला भी बताओ, मतलब एच वाला। चलो क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू के बी में किसी को कोई डाउट? ए बी, यस। सेकंड क्वेश्चन से चालू कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन तो सबका हो गया होगा आई होप। फर्स्ट में डाउट है तो बता दो बेटा, फर्स्ट में भी किसी को लग रहा है कि कोई पार्ट में डाउट है तो यू कैन आस्क। नील इज सेइंग आई डोंट नो वेदर आई हैव सॉल्व्ड करेक्ट और नॉट। ओके बेटा आपका होमवर्क आज चेक हो जाएगा, आज के डाउट डिस्कशन के बाद जिस जिसका होमवर्क रिमेनिंग है आई विल चेक इट। क्वेश्चन नंबर टू में ए बी, क्वेश्चन नंबर वन में सी, अच्छा वन के भी सी में डाउट है अभी। चलो फटाफट डिस्कस करते हम। यस लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर वन के सी में जिसको डाउट आया है, आई एम गिविंग यू द हिंट, फर्स्ट का सी क्वेश्चन। चलो आ जाओ फटाफट आ जाओ बोर्ड पे। आई होप सो एवरीवन हैज जॉइंड टिल येट। टू का सी और ई, अच्छा टू पे भी आ रहे हम। पहले वन का देख लो, उत्सव इज प्रेजेंट। ओके बेटा उत्सव हैज जॉइंड द मीटिंग। क्वेश्चन नंबर वन का देखो सबसे पहले सी पार्ट, वन का सी पार्ट। इट इज अ क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, देखो एक्स की पावर वन बाय थ्री डी एक्स, यू कैन राइट लाइक दिस, प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाय थ्री डी एक्स। नाउ यू डू द इंटीग्रेशन बाय अप्लाइंग द पावर रूल, सिंपल यू हैव टू अप्लाई द पावर रूल एंड डू द इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट का सी पार्ट क्लियर हो गया, कैसे करना है? यस सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अभी आपके कोर्स में नहीं है, फिजिक्स में नहीं है, वो मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आई विल नॉट टीच यू बिकॉज दैट इज नॉट इन योर फिजिक्स कोर्स. दैट यू विल स्टडी इन क्लास 12 मैथमेटिक्स. फिजिक्स से रिलेटेड जो जो इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स होंगे दैट आई विल टेल यू. ठीक है, यस. क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर टू का सी पार्ट. सी में बहुत जनों को डाउट आया है ना. मैत्री ने भी बोला है, क्रिश जैन ने भी बोला है, खुशी सिंह ने. क्वेश्चन नंबर टू, अच्छा क्वेश्चन नंबर टू का ए बी. अच्छा, ए और बी में भी डाउट है, मतलब क्वेश्चन नंबर टू मेरे को ए बी सी डी ई सारे डिस्कस करने पड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर टू में लगभग सबको डाउट आए. चलो मैं क्वेश्चन नंबर टू से अब स्टार्ट कर रहा हूँ, ए पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर टू पार्ट ए. क्वेश्चन नंबर टू पार्ट ए, इट इज x साइन 2x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू साइन 2x स्क्वायर dx, x इनटू साइन 2x स्क्वायर dx. सिंपली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट 2x स्क्वायर इक्वल टू t. 2x स्क्वायर को क्या रखोगे आप, t रखोगे. क्यों मैंने 2x स्क्वायर को t रखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पढ़ाया था. वी विल सब्स्टिट्यूट इन सच अ वे दैट डेरिवेटिव विल बी कंज्यूम. इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे यू विल गेट 4x इज इक्वल टू dt बाय dx. सो यहां से dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x dx. योर x dx विल बी dt अपॉन 4. हमने यहाँ पे 2x स्क्वायर को ही क्यों सब्स्टिट्यूट किया, बहुत बच्चों को डाउट आता है सर हम किसको डिसाइड करें सब्स्टिट्यूट करना है. तो सब्स्टिट्यूट आप ऐसा पार्ट सिलेक्ट करोगे जिसको डिफरेंशिएट करने पे जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या बचा, x dx. सो x dx को किसने कंज्यूम कर लिया, dt अपॉन 4 ने कंज्यूम कर लिया. नाउ यू कैन इजिली इंटीग्रेट दिस. अब आप इजिली यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू, इट विल बी साइन t. और x dx की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x dx की जगह पे लिखूंगा dt अपॉन 4. नाउ इट इज अ सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड एंड फाइंड द आंसर. सेकेंड का ए पार्ट सबको क्लियर हो गया. नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू बी पार्ट. सेकेंड वाला पूरा ही डिस्कस करने को बोला है, बहुत लोगों को डाउट आ रहे हैं. अच्छा सेकेंड का बी पार्ट देखो, sec 2t into tan 2t dt. Second question part B. Integration of sec 2t into tan 2t dt. अब यहां पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए. हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन किसका पता है, देखो हमें sec x dx का इंटीग्रेशन पता है. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर मैं आपको बोलूं sec x tan x का इंटीग्रेशन निकालो तो यू कैन इजीली फाइंड sec x plus c. ठीक है, सो ऑलवेज सब्स्टिट्यूट इन सच अ वे दैट इट विल कन्वर्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. इट विल कन्वर्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. अब मैं यहाँ पे 2t को अगर x रख दूं, इफ आई सब्स्टिट्यूट 2t इज इक्वल टू x, you will get 2 dt which is equal to dx. So dt ki value kya aa jayegi yahan se, dt ki value will be dx upon 2. So now the remaining part is consumed. Ab aap dt ki jagah pe kya substitute kar doge, dx upon 2 rakh doge. Aur ye wala aapka part kya ban jayega, integration of sec x dx, sec x into tan x into dx upon 2, dx upon 2. Now see here, this will be converted into standard form. अब ये standard form में convert हो गया, है ना? ये sec x into tan x dx का integration हमको पता है. 1 by 2 तो constant है,
तो कांस्टेंट टर्म तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x विल बी sec x plus c, सो योर आंसर विल बी sec x upon 2 plus some constant c. Always try to substitute in such a way that the remaining part of the integration will be consumed by this differentiation. पर माइनस sec x लगाना है, माइनस नहीं आता. कई बच्चों ने गलती करी थी, यहाँ पे माइनस लगा दिया था. It will be plus sec x. X की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. ये कौन है? नील पटेल. सर वी ऑल्सो हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x. हाँ बेटा, x की वैल्यू भी रीसब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. यू हैव टू ऑल्सो सब्स्टिट्यूट. वेरी गुड. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 2t. सो यू विल पुट sec 2t अपॉन 2 plus some constant c. Yes, very good. This will be your final answer. हमारा इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल में होगा, हमारा आंसर भी उसी वेरिएबल में आना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आपको इंटीग्रेशन t के फॉर्म में दिया हुआ है, आपका आंसर x के फॉर्म में आ रहा है. वेरी गुड. आपका आंसर भी t के फॉर्म में ही आना चाहिए. ठीक है, चलो सेकेंड का b पार्ट भी डिस्कस हो गया. सेकेंड के सी पार्ट में आओ. क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर सी. सी में बहुत बच्चों को डाउट आया. सी में क्या डाउट है देखो. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी. थ्री अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. ठीक है, ये क्वेश्चन था. हाँ वेरी गुड, ऋषभ का आंसर आया, हर्ष पटेल का भी आया. चलो जिनको डाउट है वो इधर ध्यान से सुनेंगे, जिनको डाउट है वो इधर सुनेंगे. अब यहां पे भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सो यू हैव टू थिंक लॉजिकली एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट. सो पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूं. सो यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे 2 माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन में. तो 2 माइनस एक्स को यू कैन सब्स्टिट्यूट सम वेरिएबल टी. सो यू विल गेट माइनस डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी. You will get minus dx is equal to dt. तो अब यहाँ पे कौन सा पार्ट बचा? dx ही बचा है. तो dx को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा माइनस डी टी. सी हियर, सो दिस टर्म विल बिकम 3 अपॉन टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी इंटू माइनस डी टी. नाउ यू सिंपली इंटीग्रेट. 3 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के. सो यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव 3 को बाहर ले लो, टी की पावर माइनस 2 इंटू डी टी. नाउ सिंपली अप्लाई द पावर रूल. पावर रूल लगाओगे तो क्या आ जाएगा देखो. यू विल गेट माइनस 3 इंटू टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 विच इज माइनस 1 अपॉन माइनस 1. सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. योर आंसर विल बी 3 अपॉन t प्लस कॉन्स्टेंट c. नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t. अब यहां से आपको t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो वो आपका फाइनल आंसर होगा, है ना. डोंट फॉरगेट टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t. यहां पे t की वैल्यू आपको फिर से सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का c सबको क्लियर हो गया. इसके बाद कौन सा डाउट है जल्दी बताओ. क्वेश्चन नंबर 2 का सी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 के डी पे आ जाओ. डी भी बहुत लोगों को नहीं आया, डी और ई में, है ना. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2 में सी का आंसर आ गया. ओके, सी के बाद डी वाला पार्ट में डाउट है किसी को, या क्लियर है डी वाला पार्ट? यस, लेट मी नो.
क्वेश्चन नंबर टू का सी पार्ट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एनीवन? हाँ ई पे। अच्छा सी के बाद डायरेक्ट ई पे आ जाऊं। डी वाला सबको क्लियर है ना? हाँ ई पे जा रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर टू के ई पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर ई। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन सर थोड़ा कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आप सारे कन्वर्जन ग्रुप में सेंड कर सकते हो? मतलब कौन से कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रहा है? आई एम नॉट गेटिंग, कौन से कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रहा है बेटा आपको? क्रिश को अच्छा अच्छा ठीक है, एक बार ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा ना, मैं आपको ग्रुप में एक शॉर्टकट बना के भेजूंगा, सारे इंटीग्रेशन का एक शॉर्ट फॉर्म बना के आपको एक पेज में उसको मैं समराइज करके भेज दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, आई विल समराइज ऑल द इंटीग्रेशन इन वन पेज एंड देन आई विल सेंड द पिक ऑफ दैट। ठीक है ओके, आई विल समराइज ईच एंड एवरी टाइप। अभी ये डाउट्स क्लियर कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर ई पे आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 8, अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 8। ठीक है तो अब यहां पे किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? देखो देखने से ही पता चल रहा है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस टर्म एज ए t। 5x प्लस 8 को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? We will substitute t. So, यहां से इसको differentiate करोगे, 5 constant का derivative 0 which is equal to dt upon dx. Here you will get dx is equal to dt upon 5. Now substitute here, dx की जगह पे लिखो 1 upon 5 integration of dt upon अंडर रूट टी। नाउ अगेन अप्लाई द पावर रूल, दिस विल बिकम 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू माइनस 1/2 इंटू डी टी। पावर रूल लगा के इसको इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इज 2। ठीक है, प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। Now re-substitute the value of t here. So this will be your final answer. 2 into 5x plus 8 ki power 1/2 upon 5 plus constant c. Samajh aaya sabko? Yes. Ab aa jao question number 2 aapka over ho gaya. Question number 2 ho gaya. सर 2t कैसे आया? कहां पे 2t आया है? भाई 2t कहां पे आया है? 2t तो कहीं पे आया ही नहीं है। अच्छा ये यहां पे मैंने पावर रूल लगाया, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे पावर रूल लगा के, सो इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, सो माइनस 1/2 में जब आप 1 ऐड करोगे so you will get 1/2, denominator में 1/2 आएगा, मतलब वो numerator में 2 हो जाएगा। ठीक है, yes, okay, question number 2 clear हो गया? हाँ, question number 2 का H, खुशी सिंह is telling, question number 2 का H वाला बताओ। ठीक है बेटा, question number 2 का H part देखते हैं, H part of question number 2, टू थी डी थीटा।
अच्छा आर्यन गोयल इज ऑल्सो प्रेजेंट. ओके आर्यन, वाई आर यू लेट? आर्यन गोयल, हाँ बेटा लेट क्यों आया आज? चलो, इंटीग्रेशन ऑफ टू थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ टू थीटा डी थीटा. ओके, सेकेंड का एच ही बता रहा हूं, सेकेंड का एच वाला ही बता रहा हूं, सेकेंड का एच वाला देखो. 2 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमको सबसे पहले इंटीग्रेशन के बाहर निकालोगे. सो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डी थीटा. अब थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? पावर रूल लगाओगे. थीटा की पावर कितनी है? 1. सो अगेन अप्लाई द पावर रूल. थीटा की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू टू. सो यू विल गेट थीटा स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी. दिस विल बी योर आंसर, थीटा स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी. टू थीटा स्क्वायर नहीं आएगा? अच्छा, टू थीटा स्क्वायर अपॉन फोर भी लिख सकते हो. हाँ, मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है वो तो. दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट? कोई भी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 में ओके, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है तो बताओ बेटा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. थ्री का 6 वाला बताओ. ओके, थ्री का 4 वाला बताओ. ठीक है, सबसे पहले 4 डिस्कस करते हैं, फिर 6 भी डिस्कस करते हैं. चलो, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखो सब लोग. इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. ठीक है, तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर कर दो आप. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 2 टाइम्स ए इंटू बी मीन्स 2 टाइम्स रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स और ब्रैकेट के बाहर क्या है? डी एक्स. नाउ सी हियर, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा. सो अगेन यू हैव टू सॉल्व दिस. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स. ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बाय पावर रूल प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल एन एक्स प्लस 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा 2 एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी. दिस विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट सबको क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6. क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट आ जाओ. इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स डी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स डी एक्स वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स. सो देखो, इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको. ए अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी अपॉन एक्स डी एक्स. नाउ कॉन्स्टेंट टर्म विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन.
constant term will come out of the integration. So you will get a into integration of x ki power minus 2 dx plus b into integration of 1 upon x dx. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स की पावर, पावर रूल लगाओगे, माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस बी, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x प्लस सम कांस्टेंट c. दिस विल बी योर आंसर. है ना, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर थ्री का सिक्स्थ पार्ट, माइनस ए अपॉन एक्स प्लस बी एल एन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, दिस विल बी योर आंसर. अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर पे. क्वेश्चन नंबर फोर में कोई डाउट है तो बताओ. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर में किसी भी पार्ट में डाउट है? क्वेश्चन नंबर फोर का नाइन टेन थर्टीन, उससे पहले कोई डाउट है तो बताओ. सिक्स सेवन, ओके, सिक्स सेवन नाइन टेन थर्टीन, ओके. चलो सिक्स से स्टार्ट करते हैं. वन से फाइव तक में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को क्वेश्चन नंबर फोर में? क्वेश्चन नंबर फोर, वन टू फाइव, एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ओके. क्वेश्चन नंबर सिक्स से स्टार्ट करते हैं हम. चलो क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट सिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x plus e की पावर x plus 5 upon x dx. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंडिविजुअली सबको इंटीग्रेट करोगे. इंटीग्रेशन ऑफ sec square x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x. अच्छा, dx लगाना मत भूलना, dx आपको लगाना है क्योंकि आप इसके रिस्पेक्ट में ही तो इंटीग्रेट कर रहे हो. प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन x dx. ठीक है, नाउ डायरेक्टली सॉल्व दिस. sec square x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x. इंटीग्रेशन ऑफ sec square x विल बी 10x. e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x. 5 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 कॉमन कांस्टेंट विल बी कम आउट. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x विल बी ln x प्लस कांस्टेंट c. अच्छा, यहां पे एक चीज नोट करना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपको e की पावर x मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो भी आपको e की पावर x ही मिलेगा. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ e की पावर x. ये बहुत बढ़िया फंक्शन है, इसको चाहे डिफरेंशिएट कर लो चाहे इसको इंटीग्रेट कर लो, आपको सेम आंसर मिलेगा हमेशा. इसलिए ये फंक्शन की खासियत है इसकी, e की पावर x की. ठीक है, यस. चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सिक्स पार्ट क्लियर हो गया. अब आ जाओ सिक्स के बाद सेवेंथ पार्ट पे आ जाओ. सेवेंथ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेवेंथ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट सेवन. इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x
प्लस 5 अपॉन x की पावर 4 माइनस cos x dx. ठीक है, काश सारे टर्म e की पावर x जैसे ही होते तो फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. अच्छा, e की पावर x ही हो जाते तो मजा आ जाता. e की पावर x का इंपॉर्टेंस है बेटा बहुत. अभी मैं आपको e की पावर x पे भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, देखना. आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन कितना अच्छा है. इट इज अ वेरी गुड फंक्शन. e की पावर x इज अ वेरी गुड फंक्शन. चलो देखो इधर. देखो sec x tan x को इंटीग्रेट करोगे सबसे पहले. इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन x की पावर 4 dx लगाना नहीं भूलोगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. ठीक है, इंटीग्रेट इंडिविजुअली. तो ये क्या हो जाएगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस 5 कांस्टेंट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन. अगेन अप्लाई द पावर रूल, x की पावर माइनस 4 मतलब x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस cos x का इंटीग्रेशन विल बी sin x प्लस सम कांस्टेंट c. दिस विल बी योर आंसर. समझ आया फोर्थ का सिक्स पार्ट. फोर्थ का सिक्स पार्ट क्लियर हो गया. हाँ, फोर्थ का सेवन पार्ट, सिक्स और सेवन दोनों. वेरी गुड. अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन. सिक्स सेवन के बाद आ जाओ, कौन सा था अगला, नाइन्थ वाला था, है ना. फोर्थ के नाइन्थ पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 9. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 9. नाइन्थ पार्ट पे आ जाओ. इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x dx. इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x dx. अगेन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर. किसको सब्स्टिट्यूट करोगे बताओ. ऐसा सिलेक्ट करो, ऐसा टर्म सिलेक्ट करो. नहीं, वन अपॉन एक्स को नहीं करोगे, एल एन एक्स को आप सब्स्टिट्यूट करोगे. सब्स्टिट्यूट एल एन एक्स इज इक्वल टू टी. सब्स्टिट्यूट एल एन एक्स इज इक्वल टू टी. ऐसा हमने क्यों किया. अब इसका डीवाई डी एक्स करो. यू विल गेट वन अपॉन एक्स is equal to dt upon dx. ln x को differentiate करोगे तो क्या मिलेगा, 1 upon x. So यहां से आपको dx की value क्या मिल जाएगी, 1 upon x dx की value क्या मिल जाएगी, 1 upon x dx will be dt. So 1 upon x dx का value आप यहां रख दोगे,